बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर हसन नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बेख्वाबी, नींद का ना आना। बेख्वाबी, नींद का ना आना, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ख्याली पलाव पकाते रहते हैं या सोचने में मसरूफ़ रहते हैं या बहुत ज़्यादा थकावट, ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से अक्सर औकात नींद उड़ जाती है। जिस्म के किसी हिस्सा में अगर दर्द हो यानी पेन हो या बुखार और बेचैनी हो तो नींद उड़ जाती है। जिन लोगों को किसी किस्म के नशे की आदत हो, अगर वो नशा ना मिले तो नींद नहीं आती। बाद गज़ाओं की तासीर गर्म और खुश्क होती है। ऐसी गज़ाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नींद कम करने का बहस बनता है। बुखार, नज़ला, शदीद ज़ुकाम, हेडेक यानी सर दर्द, अबडामिनल पेन यानी पेट का दर्द या किसी भी और शदीद पेन में अक्सर औकात नींद नहीं आती। जिस्मानी वर्जिश न करने की वजह से भी नींद कम हो जाती है। ओल्ड एजेस यानी बुढ़ापे में आम तौर पर नींद कम हो जाती है। कफ़ यानी खांसी आम तौर पर आई हुई नींद भी उड़ा देती है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा जहनी परेशानी की वजह से भी डरावने और परेशान किन ख्वाब ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। सोने से पहले चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल अक्सर औकात नींद उड़ाने का बहस बनता है। सोने से पहले मतालिया की आदत नींद लाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। यानी सोने से पहले अगर आप स्टडी करें, कोई मतालिया करें, तो ये आपको नींद लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। डियर व्यूवर्स, अभी मैंने आपको नींद ना आने और बेख्वाबी की कुछ वजूहात बताई हैं। आपको अक्सर कद ये जो वजूहात हैं ये बेख्वाबी पैदा कर देती हैं। और होम्योपैथी की जो मेडिसन है नींद लाने के लिए, उसमें पैसी फ्लोरा, मदर टेंचर, क्यू पावर में नाइट स्लीप टाइम 20 से 25 ड्रॉप, आधा कप गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में आप सोने से पहले यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपको नींद आ जाएगी। यानी पैसी फ्लोरा आपको नींद लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और साथ में आपने अवेना स्टेवा मद टेंचर, इसमें से 10 से 15 ड्राप्स आधा कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार ये आपने यूज़ करने हैं। और ये जो मैंने अभी मेडिसिन आपको बताई है ये आपने 1 महीने तक यूज़ करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी नींद की जो कमी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, यानी इससे आप फिरयाब हो जाएंगे। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और डिज़ीज़, किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।